अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सारे, कैसे हैं। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ नाजरीन। आज कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को टर्न करके लाजमी सब्सक्राइब करना है। जैसा कि आप जानते हैं, दानिश तैमूर पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार हैं और माशाल्लाह से मैं कहता हूँ कि बेहतरीन अदाकार हैं। जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, जिस तरह अदाकारी के जोर दिखाते हैं, लेकिन आज जो वीडियो है कुछ अलग होने जा रही है। आज मैं ड्रामे की बात करूँगा, लेकिन ये नहीं कि मैं किसी दानिश तैमूर को किसी और के साथ कंपेयर करूँगा, बल्कि नहीं, मैं दानिश तैमूर का ड्रामा राहे जुनून और की सीजन टू कंपेयर करने लगा हूं। मैंने आपको यह बताना कि सोशल मीडिया राहे जुनून ज्यादा ड्रामा देखना चाहता है, सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो किस ड्रामे को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ड्रामा जो है वो दीवानगी टू, उसके जो है टीजर आ चुके हैं, तीन टीजर रिलीज हो चुके हैं और लोग काफी जो है वो इंटरटेन हो रहे हैं, काफी दानिश तैमूर की अदाकारी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज की ये जो वीडियो कुछ स्पेशल होने जा रही है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि दीवानगी वन बेहतर था, दीवानगी सीजन टू जो आ रहा है जिसके तीन टीजर हो चुके हैं, रिलीज़ हो चुके हैं, और इसकी पहली एपिसोड कब नशर होगी ये बेहतर है, या फिर दानिश तैमूर साहब का जो ड्रामा है राहे जुनून वो ज़्यादा बेहतर है। सारा कुछ इस वीडियो में बताने लगा हूँ। वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को टर्न करके लाजमी सब्सक्राइब करना। आपने साबित कर देना आपने दानिश तैमूर के आप फैन हैं, आपको अच्छे लगते हैं, उनकी अदाकारी अच्छी लगती है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि यार दानिश तैमूर पाकिस्तान में ऐसे अदाकार हैं जिनसे जो भी रोल करवाएंगे वो VIP करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा अदाकारी कर लेती हैं। और बात करते हैं हिबा बुखारी के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी है। आप जैसा कि आपको इल्म है कि हिबा बुखारी के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत लेवल की है और काफ़ी लोग जो है वो इंटरटेन होते हैं। ये ट्रैक्टर जा रहा है, शोर आ रहा होगा, माफ़ी चाहता हूँ आपके जो है बहुत सब्र है, आपने मेरी ये वीडियो स्किप नहीं की, देखी है। अच्छा, बात करते हैं ड्रामा राहे जुनून ज़्यादा बेहतर है, दीवानगी सीजन वन बेहतर था, या अब जो टीजर आ रहे हैं दीवानगी सीजन टू के वो बेहतर है। नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि हर ड्रामा जो है ना उसकी अपनी वैल्यू होती है। अब जो राहे जुनून का अगर आप स्टोरी देखेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है, माशाल्लाह से दानिश तैमूर बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप दीवानगी वन देखेंगे, आए हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ दीवानगी वन को बड़े पर्दे पे चलाना चाहिए था। जिस तरह नौजवान नस्ल को इस ड्रामे ने अट्रैक्ट किया, मैं ये समझता हूँ कि इस ड्रामे ने हमें बहुत से इखलाकी लेसन भी दिया है। किसी लड़की के पीछे जो है वो नहीं भागना, बल्कि आपने जो है मोहब्बत को कायम रखना है, निकाह करना है। और आजकल का जैसे कि आपको इल्म है कि फैशन चला हुआ है, GIBF का ट्रेंड चला हुआ है, और लोग जो है नौजवान नस्ल जो है वो इस ट्रेंड में बदनाम हो चुकी है, पढ़ रही है, उनको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ने जो है वो निकाह रखा हुआ है, निकाह किया करें, GIBF जो है ये हराम रिश्तों से बचा करें। ठीक है नाज़रीन, बाकी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो दीवानगी सीज़न वन है वो बेहतर था, और दीवानगी सीज़न टू जो है वो मेरा ये ख्याल है कि ये भी पाकिस्तान में तारीख रकम करेगा और ये भी बेहतर ही साबित होगा। आप क्या कहना चाहते हैं। बाकी राहे जुनून भी बहुत अच्छा ड्रामा है, उसके साथ किसी को कोई कंपेयर नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि दानिश तैमूर यार लेजेंडरी स्टार हैं, अदाकार हैं, बेहतरीन अदाकार हैं। आप दानिश तैमूर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और चैनल को अपने टर्न करके लाजमी सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।